मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों भूपेश आनंद सीएम यूएसए पार्ट वन एग्जामिनेशन एंड आई एम स्टार्ट विद सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट इन में आपने मेरे यूट्यूब में वीडियो कुछ तो देखे ही होंगे एंड टूडे आज अभी मैं इस समय पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं पोस्ट कोविड में इस समय रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है बेटे और मैं भूपेश आनंद मैं सी मैं सीएस मैं इंडियन मैं अमेरिकन और मैं यूरोपियन आई विल बी टेलिंग यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बेटा मैं इतना एक्साइटेड हूं आज आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक करेंगे तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जो बातें हैं आपको आज फर्स्ट इंट्रो लेक्चर में बता दूं आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट मैं आ गया जी आपके सामने मैं भूपेश आनंद आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए आया हूं बेटे आज एंड कस्टमाइज लेक्चर फॉर यू ये सारा लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये कहता हूं कि मैं ये सभी कुछ आपके लिए सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सी एम ए यूएसए पार्ट वन एग्जामिनेशन एक सेपरेट रजिस्टर एज वी हैव सीन इन यूएस पार्ट टू में जो मैंने बताया फिर पार्ट वन में बताया बेटे सभी सेक्शंस का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना है आपको नो no डाउट उन्होंने सेक्शन ए पहले दिया फिर बी फिर सी फिर डी ई एफ बट द पॉइंट इज आई हैव रिलेटेड द मैंने उनकी अंडरस्टैंड करके आपकी रिलेशनशिप बना के दी कि पहले आपको ये यूनिट करना चाहिए पहले यू हैव टू डू फर्स्ट दिस सेक्शन देन दिस सेक्शन देन दिस देन दिस देन दिस तो इस तरह से आज हम आगे बढ़ेंगे आपने रजिस्टर ओपन कर दिया है और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं आपका ध्यान फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस के ऊपर है बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखें यू नो ऑल दीस वर्ड्स दे हैव अ सेपरेट मीनिंग फॉर दैट

आप देखते हैं कि भाई प्लानिंग में मेरे को कहाँ से पढ़ना है कौन से वीडियो लेक्चर्स लेने हैं कब कौन सी विंडो में पेपर देने ऑल दैट प्लानिंग इज बीइंग डन एंड देन विद इन दो टू थ्री फोर मंथ्स यू परफॉर्म पेपर देकर आते हैं परफॉर्मेंस है एंड आफ्टर द रिजल्ट यू नो यू एनालाइज कि क्या था कहाँ था क्या क्या मिस्टेक की इट मीन्स इन रियल लाइफ सिनेरियो ऑल्सो we do financial planning we do financial performance and we do financial analysis it means we do planning performance and analysis but as a management accountant as a cma usa part 1 <applause> हम यहां पर कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस एक बात और कहना चाहूंगा as a management accountant it is important that first you should give go for part 2 and then you should go for part 1 part 1 में आपको प्लानिंग करनी है बेटे किसी भी चीज की प्लानिंग करनी है आप घर लेते हैं आप एक गाड़ी लेते हैं कार लेते हैं आप मैरिज करते हैं मैरिज से पहले भी तो प्लान करते हैं आप ये देखिए अपने अपने घर वालों इफ यू हैव सीन एनी एनी यू नो मैरिज इवेंट द होल प्रोसेस इज बीइंग देन परफॉर्मेंस इज देयर एंड देन यू डू एनालिसिस आइए इन्हीं बातों के साथ आई थिंक इन द इन इन लेक्चर यू नो इन इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन मैंने वहां पर कहीं अगर आपने मेरा इंट्रो लेक्चर देखा हो दैट इज इंट्रो इन रिगार्ड टू सीएमए यूएसए पार्ट वन एंड देन इंट्रो इन रिगार्ड टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस एट दैट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई यू शुड फर्स्टली गो ओवर सेक्शन ए एंड देन यू शुड गो फॉर सेक्शन डी एंड देन फॉर बी सी एंड देन एट लास्ट ई एंड एफ

एट द टाइम यू आर डिसाइडिंग कि मुझे सी एम यूएसए का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपने कोर्स करिकुलम देख लिया साइट से देख लिया आई से देख लिया लिंकड से चेक कर लिया यूट्यूब में देखा वीडियोस देखे लोगों की बातों को सुना टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए आपने सब कुछ पहले एक बार चेक किया फिर कोर्स करिकुलम के बाद जब आपने अपने आप से अपने आप से क्या किया सेल्फ एनालिसिस किया सेल्फ एनालिसिस का मतलब है यू हैव फाइंड आउट कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है वीकनेसेस क्या है आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है आपका प्रैक्टिकल कितना स्ट्रांग है आपकी हॉबी क्या है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है हाउ यू थिंक कॉस्ट मैनेजमेंट हाउ यू थिंक एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिटी इन सभी बातों को आपने अपने आप से बात किया इट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग बट दैट इज शोर्ट एनालिसिस

That you should know कि आप आज स्टैंड कहाँ कर रहे हैं खड़े कहाँ हैं तो बेटे खड़े होने के लिए आई विल बी वॉचिंग जैसे एक बच्चे के हमें मार्क हमें देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है कि वो टेंथ में इलेवेंथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसा परफॉर्म करेगा वेदर यू शु डू दिस कोर्स और नॉट तो हम क्या करते हैं उसका पास रिकॉर्ड देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं इतिहास देखते हैं इतिहास आता है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी इनकर हो चुकी हैं

हम सब देखेंगे तो मैं आपको ये कहता हूं कि फर्स्ट स्टेप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डू एनालिसिस यू हैव टू डू टू पार्ट आपको दो सेक्शन करने हैं एक एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट कि आपकी कॉस्ट कितनी है यार वट इज अ वट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट हाउ मेनी हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट हाउ टू मैनेज दैट हाउ टू मेजर एट हाउ टू अक्यूमुलेट एट हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट व्हाट आई मीन बाय बार प्रोडक्ट व्हाट आई मीन जॉइंट प्रोडक्ट ये सभी बातों को आप एनालाइज आप मैनेज करेंगे इट मीन्स आपको सेक्शन डी पहले करना चाहिए अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है टीचर्स को भी नहीं पता बस फॉर्मेलिटी में करा दिया पेस्ट कर दिया और हो गया बेटे रिलेशनशिप लॉजिकली आपको समझना है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे सबसे पहले अपनी एंटिटी की स्वॉट एनालिसिस करनी है एंड फॉर दैट स्वॉट एनालिसिस आई एम नो टू सेक्शंस वन सेक्शन इज एमड एट एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस एंड द सेकेंड सेक्शन इज दैट सेक्शन डी इज कॉस्ट मैनेजमेंट ठीक है सर आफ्टर डूइंग दिस आप क्या करेंगे जब आपने देख लिया कि भाई मेरी इतनी वीकनेसेज हैं ये स्ट्रेंथ है ये अपॉर्चुनिटीज हैं है और ये थ्रेट्स हैं ठीक सी इफ इफ आई डू सी एम ए यू दिस इज अ थ्योरी पार्ट दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट बट आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस देन यू विल परफॉर्म की अगर मुझे सच में ही करना है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो आई हैव टू डू प्लानिंग एंड देन आई हैव टू परफॉर्म इट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स तो स्टेप नंबर टू आता है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी दैट प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कि प्लान करते हैं यार फिर परफॉर्म करेंगे प्लानिंग में हमने वी हैव सेक्शन बी दैट इज प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। सेक्शन बी प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स प्लानिंग बजटिंग इट मीन प्लान इट वी विल्स क्या होते हैं है? अभी हमने सेक्शन बी नहीं किया अभी वी हैस्ट कवर्ड सेक्शन ए सेवेंटी फाइव लेक्चर्स एंड डायरेक्टली आई एम गोइंग टू सेक्शन डी और उसके बाद हम जो भी हमने किया उसकी परफॉर्मेंस करेंगे मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेंच मार्क्स स्कोर कार्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लास्ट में वी विल बी डूइंग एनालिटिक्स दिस इज माय स्टेप नंबर थ्री ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ सीएमए यूएसए एनालाइज करेंगे कि यार जो सोचा था क्या वो ठीक था आप टाइम टेबल बनाते हैं मॉर्निंग में कि भाई आज मैं इतने घंटे ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा एंड ऑफ द डे यू एनालाइज इट दैट दिप दैट देर इज अ वेरियंस दैट आपने जो सोचा था एंड एक्चुअली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रिपेयर अ न्यू बजट एंड बिफोर प्रिपेयरिंग दैट उसको बनाने से पहले आप पहले एनालिसिस करते हैं बोलो हा या ना तो एनालिसिस में हम दो बातें डिस्कस करेंगे एक इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे और बेटे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है बिग डाटा एनालिटिक्स का ज़माना है चेन टेक्नोलॉजी का जमाना है आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस का ज़माना है वी विल बी डूइंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी विल बी एनाइजिंग इट तो कुल मिलाकर आपको छः सेक्शंस कर रहे हैं ये बात मैंने वैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन के फर्स्ट लेक्चर में भी बताई हुई है अच्छा आपका प्लान ये जो है छः सेक्शंस का मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह का है है ना ये कुछ मार्किंग स्कीम्स हैं और ये हमारे यूनिट्स हैं एज वी हैव सीन दैट एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन देर टू यूनिट्स बट फॉर देट वी अगेन सेवेंटी फाइव लेक्चर्स अभी मैं जो करने जा रहा हूँ सीधा सेक्शन डी करने जा रहा हूँ दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट इसमें पांच यूनिट्स हैं बट इसके बड़े सारे सब पार्ट्स हैं यार और मैं आने वाले दस लेक्चर्स इंट्रो लेक्चर्स लेने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर यू आप बस मुझे ये मत कहना कि ये हॉक में नहीं है ग्लेम में नहीं है वायले में नहीं है बेकर में नहीं है सब है बेटे भूपेश आनंद क्या करेगा सबको रिलेटिवली बताएगा और आप आने वाले टेन लेक्चर्स अगर आपने मेरे अटेंड कर लिए, इवन इफ यू हैव नॉट परचेज माई वीडियो लेक्चर्स तो बेटे एटलीस्ट सेक्शन बी कॉस्ट मैनेजमेंट की एक एक बात आपको समझ आ जाएगी और आप रिलेट कर पाएंगे सभी चीजों को मैं भूपेश आनंद बट ये भी मैंने प्रिपेयर आपको फर्स्ट लेक्चर में कर दिया था बनाना नहीं है फर्स्ट लेक्चर आप इंट्रो देखेंगे तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि पहला आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है बिकॉज वी आर इन स्वॉट एनालिसिस देर आर थ्री क्वेश्चन टू बी आंसर्ड वाई वट इज हाउ टू डू शोर्ट एनालिसिस

अच्छा अभी आज एक्चुअली में लेक्चर तो अब स्टार्ट हो रहा है बिकॉज अभी तक जो भी कुछ बताया मैंने वो फर्स्ट आपको इंट्रो लेक्चर में ऑलरेडी प्रिपेयर करके बता दिया था बेटे कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक आई हैव जस्ट गिवन द रीजन दैट वाई आई एम टू स्टार्ट विद सेक्शन डी आफ्टर सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट देर आर फाइव सेक्शन हॉक ग्लैम वाइले को देखें तो नंबर ऑफ सेक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट सारा कंटेंट सभी में सेम है तो मैं हॉक की बात करूँ ग्लैम की बात करूँ बैकर की बात करूँ वायल् की बात करूँ तो देर आर फाइव यू नो पार्ट्स आई विल से फाइव यूनिट्स इन दैट फर्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे जो उन्होंने दिया हुआ दैट इज कॉस्ट मेजरमेंट कंसेप्ट और इसमें बड़ा सारे कंसेप्ट हैं कॉस्ट क्या है एक्सपेंसिस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है नॉर्मल कॉस्ट क्या है एक्चुअल कॉस्ट क्या है एब्जॉर्बन कॉस्टिंग क्या है वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट क्या है ओवर कॉस्ट क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है बाय प्रोडक्ट वो सब हम देखेंगे आपको घबराना नहीं है मैं सब कुछ सिस्टमेटिकली रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा सेकेंड पॉइंट इज कॉस्टिंग सिस्टम्स क्या है डिफरेंट टाइप्स कॉस्टिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है ऑपरेशन कॉस्टिंग है प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट कॉस्ट और बेटा थर्ड यूनिट जो दिया हुआ है एंड वट आर द मेन प्रोडक्शन सेंटर हाउोशन इट वट इज एलोकेशन वट इज अपोर्शनमेंट वट इज अब्जॉप्शन और फोर्थ पार्ट जो उन्होंने दिया दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट

जैसे हम कहते हैं आलिया भट्ट दिखती कैसे जैसे हम कहते हैं कैटरीना कैफ दिखती कैसे बेटे उसका प्राइमर फेजी देखें तो फ्लो चार्ट में मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं पहला बॉक्स होगा जिसमें मैं लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बिकॉज द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज कॉस्ट मैनेजमेंट एंड आफ्टर राइटिंग डाउन दैट मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट आई विल बी राइटिंग डाउन थ्री क्वेश्चन मैं आपसे अपनों से अपनी सी बातें करूंगा और आपसे तीन बातें पूछूंगा और आपको उन तीन क्वेश्चंस का आंसर करना है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड टू आंसर दो थ्री क्वेश्चंस आई विल बी आंसरिंग थ्री ब्लॉक्स आंसर वन आंसर टू आंसर थ्री और बेटे मैं भूपेश आनंद आपको यह बताऊंगा दैट वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एक बच्चे ने रजिस्टर तक नहीं ओपन किया दूसरा बच्चा कहता है है नॉर्मल लेक्चर जैसे थप्पड़ खींच के एक बच्चा तो लेट के पढ़ रहा है बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है ना तो भूपेश आनंद के वीडियो लेक्चर्स के अलावा कुछ भी देखा तो सब मिट्टी है सब बकवास है आप कंपेयर करके देख लेना यार ओपन चैलेंज है आप बस जल्दी से फ्लो चार्ट प्रिपेयर करो आप फ्लो चार्ट की एटलीस्ट रूपरेखा प्रिपेयर कर लो मैं फ्लो चार्ट की रूपरेखा में आ चुका हूं और पहला ब्लॉक मैं चाहता हूं कि आप ये लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक आपको सबको ये लिखना बैठे मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट आओ जी आओ जी दिल से दिल लगाओ जी कॉस्ट मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट बनाओ जी फर्स्ट पॉइंट यू नो इज टूडें इंट्रोलेक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी i will be firstly writing down will be telling you what is the meaning of management cost management financial management life management girlfriend management आपने बड़ी सारी मैनेजमेंट सुनी है बेटे होटल मैनेजमेंट वाइफ मैनेजमेंट बॉयफ्रेंड मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट anger management मैं आज आपके सामने एक ऐसी मैनेजमेंट कहने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज द मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा मैं आपसे खाली पूछूं कि भाई मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है आप ये मुझे बताइए आपके हिसाब से आपसे मैं जस्ट यही पूछ रहा हूं कि वट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या आप मुझे बता सकते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जस्ट मैनेजमेंट बेटे बहुत काफी बार आपने पढ़ा भी है सुना भी है और मैं तो समझता हूं बचपन से स्कूल से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे टाइम मैनेजमेंट बोलते थे या नहीं बोलते थे बेटा तो मैं वहीं से वर्ड लेकर आ रहा हूं मैनेजमेंट अब आप बड़े हो गए बेटे अभी भी सुनते हैं मैनेजमेंट लेकिन डिफरेंट डिफरेंट में सुनते हैं बट मैं आज फिर आपसे पूछता नो डाउट no मैं आपसे सामने नहीं हूं इस समय लेकिन आप मुझे मानिए कि मैं आपके सामने फिजिकली खड़ा हूं और आपसे पूछ रहा हूं रामलाल बबली ये बता दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट व्हाट वट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैनेजमेंट तो आप जहन में यू नो यू शुड आंसर में कहानी एक कहानी थ्योरी एक, एक, एक सब्जेक्ट पढ़ा है कि भाई मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैंने दो वर्ड्स यूज ये डेफिनेशन यूज करते थे आप सुन लग रहा ध्यान से मैं अभी खाली मैनेजमेंट का मीनिंग बता रहा हूं मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एक तो ये भी सुना होगा फिर आपने सुना कुछ बड़े हुए मैनेजमेंट इज गेटिंग द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने फिर कुछ बड़े हुए तो एक डेफिनेशन और पढ़ी मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मनी मटेरियल मशीन ये पढ़े थे बेटे फाइव एम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आई रिपीट आई रिपीट माय गोल्डन वर्ड्स मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इफेक्टिव आपने पढ़ा था बेटे पढ़ा था पढ़ा था याद कीजिए एंड एफिशियंट 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 यूटी लाइजेशन ऑफ मैन मनी मशीन मेटीरियल मैन पार्स

फिर आप बड़े हुए गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट पढ़ा इफेक्टिव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गर्ल फ्रेंड आपने एक मूवी देखी थी अब मैं मेरे को मूवी का नाम भी भूल गया लेकिन एक मूवी आई थी जिसमें अक्षय 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 कुमार की बड़ी सारी यू यूनो गर्लफ्रेंड होती है अक्षय ने जॉन एब्राहिम और अक्षय होते हैं उसमें बेटा तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ गया हूं और ये कहना चाहता हूं आपको क्या लगता है यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट मैं भूपेश आनंद आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे बेटे फ्लो चार्ट में देखो जी मैनेजमेंट का मतलब तो वही होगा खाली अगर मैं मैनेजमेंट आपसे पूछूं तो वेन आई से मैनेजमेंट इट मींस इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट

कॉस्ट को मैनेज करने के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने वाला हूं जो इस तरह से दिखेगा पहला बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट और आप इस समय पहला बॉक्स बना रहे हैं आप मेरे सामने बैठे हैं आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं और आप लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट में आपने लिखना भी स्टार्ट कर दिया इफेक्टिव एंड एफिशियंट efficient एक्यूमुलेशन मेजरमेंट and कंट्रोल ऑफ कॉस्ट आराम से बेटे जल्दबाजी नहीं करनी सब ने लिखना है थोड़ा सा लिखेंगे ना तो आपको बातों में ज्यादा रिलेशनशिप आएगी आप लिखेंगे नहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो बेटे आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बचपन जैसे स्कूल बच्च के बच्चों जैसे बन जाना है ऐसा नहीं कि आप यूएसए का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत बड़े बन गए नहीं बेटे यू हैव टू बिकम अ स्कूल चाइल्ड यू हैव टू नोट इट डाउन तो ज्यादा आपकी फाइव सेंसेस उसको समझने में लग जाएंगी कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू तो आप फ्लो चार्ट सब बना रहे हैं पहली बात लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट मैंने अभी तक आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बता दिया है मैं इस समय कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ इट इज इफेक्टिव एंड एफिशियट एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना मेजरमेंट कैलकुलेट करना एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट दैट इज एज कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा इफ आई वॉन्ट टू आंसर यू नो इफ आई वॉन्ट टू इफ आई वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट आई हैव टू आंसर थ्री मुझे तीन क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको लास्ट अभी पिछले स्लाइड में दिखाए क्या दिखाए बेटा ये देखो तीन क्वेश्चन मैं भूपेश आनंद अभी इस बॉक्स में आ चुका हूं मैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर चुका हूं अभी मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किया अभी मैं नीचे आंसर्स में भी नहीं आया बट मैं अभी आ चुका हूं तीन क्वेश्चंस में दैट व्हाट आर दो थ्री क्वेश्चन विच आई हैव टू आंसर एंड दोज थ्री क्वेश्चन आर पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूं आपसे यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ जेन बैग ऑफ बार्कलेस फाइनेंस ऑफ मुथू फाइनेंस आप मुझे पहली बात ये बताएंगे व्हाट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन व्हाट इज कॉस्ट मेजरमेंट एंड व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि वहां जगह नहीं है एक बच्चा घबरा गया वो कहता बार बार कॉस्ट क्यों यूज किया बेटे कॉस्ट मैंने एक ही बार लिखा वट इज कॉस्ट एक्यूमुलेशन वी हैव सेपरेट यूनिट इन इन दिस सी एम ए यूएसए पार्ट वन की एक्यूमुलेट कैसे करते हैं देन वी हैव यूनिट फॉर कॉस्ट मेजरमेंट एंड देन हाउ टू कंट्रोल इट तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछूंगा दैट इज इन रिलेशन टू कॉस्ट 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 मेजरमेंट एंड एंड कंट्रोल माय अक्यूमलेन मेजर टू मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगेन अगेन इज अ वर्ड वी आर यूजिंग मैनेजमेंट व्हाट इज लीन मैनेजमेंट व्हाट इज कार्बन सिस्टम वो सब देखेंगे आप बस क्वेश्चन नंबर टू लिखिएगा वट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट बेटे हम जो प्रोसेस कर रहे हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस वी हैव ए प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस डाइजेस्टिव प्रोसेस लंग्स प्रोसेस हार्ट प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है सिमिलरली इन अ कंपनी इन अ एंटीटी वी हैव डिफरेंट टाइप्स वी हैव अकाउंटिंग प्रोसेस वी हैव यू नो जनरल एडमिन प्रोसेस वी हैव अ प्रोडक्शन प्रोसेस अब वो जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं क्या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज इफ आई इम्प्रूव इट माई कॉस्ट विल इंप्रूव बिकॉज आई विल बी यूजिंग इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली दोज रिसोर्सेज एंड माई कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज एंड आई कैन मैक्सिमाइज माई वेल्थ वो भी आ रहे हैं तो बेटे तीन क्वेश्चन सब बच्चे लिखेंगे फर्स्ट इज वट इज कॉस्ट इज कॉस्ट मेजरमेंट इज कॉस्ट कंट्रोल क्वेश्चन नंबर टू इज वट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन नंबर इज इज बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना तो सेक्शन डी 15 से 20 परसेंट नंबर आपकी जेब में बेटे ऐसे में से आ रहा है ना टू आंसर क्वेश्चन नंबर वन मैं आंसर नंबर वन ले रहा हूं टू आंसर क्वेश्चन नंबर टू मैं आंसर टू और थ्री लूंगा पहले आप इस समय आंसर वन में हैं आप चेक करिए मैं यहां तक आ चुका हूं बेटे 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 यहां पे हूं बेटे मैं इसकी बातें डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू आंसर क्वेश्चन नंबर दैट व्हाट इज 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 कॉस्ट 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 मेजरमेंट कंट्रोल तो टू अंडरस्टैंड वट इज कॉस्ट मेजरमेंट वट इज कॉस्ट अक्यूमलेन एंड इज कॉस्ट कंट्रोल आई शुड नो वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कॉस्ट है क्या वट इज कॉस्टिंग वट इज कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट 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 कॉस्टिंग अकाउंटिंग अकाउंटेंसी वेरिएबल कॉस्ट क्या है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है ओवर क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है जॉब कॉस्टिंग क्या है बेटा सब रटा हुआ जैसे मेरे ब्लड के अंदर हो तो आप सभी लिख रहे हैं आंसर नंबर वन में नीचे लिख रहे हैं कॉस्ट

आपके सामने इन सभी बातों को डिस्कस करूंगा कॉस्ट मेजरमेंट कॉस्ट एक्यूमुलेशन वेरिएबल कॉस्टिंग एब्जॉर्बन कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग और भी होगा मैंने लिखना ही बंद कर दिया लेकिन द पॉइंट इज ये जिस तरह से मैंने दिया है ना आपको इस तरह से रिलेट नहीं करना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिलेशनशिप दूंगा एंड आफ्टर दैट यू कैन सी ग्लैम वायले हॉक बेकर कुछ भी देखेंगे बेटे डांस करना स्टार्ट कर दोगे चलो जी मैं आ गया जी आंसर नंबर टू में इस समय बिकॉज आई हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर टू एंड माय आंसर नंबर टू इज क्वेश्चन नंबर टू था क्या एक बच्चा तो भूल भी गया बेटे क्वेश्चन नंबर टू था सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर देने के लिए मैं आपको बड़े सारी बातें बताऊंगा मैं मैं लीन मैनेजमेंट की बातें करूँगा मैं लीन रिसोर्स मैनेजमेंट की बातें करूंगा आजकल आप क्रोमा में जाते हैं और रिलायंस डिजिटल में जाते हैं तो दे हाउ दे आर मैनेजिंग देयर इन्वेंटरी सो हाउ दे कैन मिनिमाइज देयर कॉस्ट दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट वी विल डिस्कस फॉर दैट वट आई वट आई मीन बाट जस्ट इन टाइम जैपनीज सिस्टम को डिस्कस करेंगे कैन को डिस्कस करेंगे बेटे कुछ ऐसे लोग हैं जो मर गए लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता गए उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर के लिए मैं हाउ वी कैन यू नो इंप्रूव माय बिजनेस प्रोसेस है ना कुछ बेस्ट तो कुछ है ही नहीं बेस्ट कुछ नहीं है मैं ये कहता हूं आप कहीं भी देखें तो देर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री इज बिकॉज इफ आई इंप्रूव इट माई दो प्रोसेस विल बी डूइंग इफेक्टिवली एंडिशियंटली

मैं और भी बड़ी सारी रिलेटेड बातें करूंगा बेटे वहां पे स्पेस नहीं थी मैं आज आपको एक एक ओवरव्यू देना चाहता था कि कॉस्ट मैनेजमेंट में दीज आर द थिंग्स व्हाई आई शुड डू आफ्टर सेक्शन ए एंड व्हाट इज मैनेजमेंट व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट व्हाट आर द यूनिट्स इन दैट वट इज द मार्क्स वेटेज इन दैट ये सारी बातों को मैंने आज बताने की कोशिश की और लास्ट में एक बात बता रहा हूं बेटे बेटे लास्ट में ये बताऊंगा वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट मत रोकना मुझको यारो मत रोकना मुझको यारो बताने देना वट इज कॉस्ट मैनेजमेंट क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव आपको क्या लगता है वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट Because we are doing from the management accountant point of view, from CMA USA point of view, up now that management accountant has to take so many decisions, has to prepare the reports and give to the top level. So, why we are forcing that management accountant to have a view of cost management? Because cost accumulate. If he is aware of that, how cost is accumulated, how कॉस्ट इज मेजर्ड हाउ कॉस्ट कैन बी यू नो आई हाउ आई कैन कैलक्यूलेटेड हाउ आई कैन मेजर इट एंड हाउ आई कैन कंट्रोल इट सो आई थिंक ही कैन टेक बेटर डिसीजन एंड इफ ही टेक बेटर प्लानिंग तो जब वो इफेक्टिवली और एफिशियंटली अपनी रिसोर्सेज को यूज करेगा तो फिर क्या होगा कुछ कुछ होता है क्या होता है बेटे आप बताइए इफ आई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट माई प्रॉफिट विल इंक्रीज बिकॉज माइ कॉस्ट इज डिक्रीजिंग दिस इज कॉस्ट अगर मेरी कॉस्ट कम होगी तो क्या लगता है जी प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा अच्छा जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वी हैव सीन इन द लास्ट यू नो सेक्शन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस दैट अर्निंग पर शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड ईपीएस विल इंक्रीज अच्छा जब ई बढ़ेगी तो एक स्टॉक होल्डर उस अर्निंग पर शेयर को देखकर खुश होगा या दुखी होगा खुश ही होगा और क्या होगा बेटे आप ये लॉजिकली बताइए कि अगर आप जिस दिन खुश होते हैं यू नो आप हैप्पी इफ यू आर हैप्पी यू यू हैव एन क्वालिटी ऑल ह्यूमन बींग्स है क्वालिटी कि आप उस बात को शेयर करते हैं And if I am an am a equity stockholder of that corp that entity, which cap management accountant, and you are using cost management techniques very beautifully, because of that my cost is being minimized, because of that my profit is being maximized, and because of that my EPS is increasing, and because EPS is increasing I be, I am very happy, and because I am very happy, so I will be sharing my thoughts. आप जब खुश होते हैं ना सोचिए है, एक बार विजुअलाइज कीजिए कि उस दिन जैसे आप पास हुए पार्ट टू में तो आपसे रहा नहीं गया आपने सबको बताना शुरू कर दिया मैं पास 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 मैं पास, मैं मैं पास। मैं तो आप जब शेयर करेंगे जैसे आप एक मूवी देखकर आते हैं और आपको बड़ी अच्छी लगती है आप कहते हैं यार क्या मजा आ गया देखकर आलिया भट्ट को तो जब आपको मूवी अच्छी लगती है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आपके दोस्तों ने नहीं पूछा आपसे कि मूवी में क्या लगा लेकिन आप क्योंकि खुश थे उस मूवी को देखकर तो आपने उस मूवी की शेयरिंग की अच्छा जब आपने अपने दोस्तों को बताया आलिया भट्ट के बारे में तो आप बताइए उन पांच छह दोस्तों में से अगर किसी को चांस लगा तो वो मूवी देखने जाएगा वही देखने जाएगा वो भी चाहेगा कि मैं आलिया भट्ट को देखूं अल्टीमेटली क्या होगा वो मूवी धीरे 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 हिट हो जाएगी बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाएगी क्योंकि जब वो देखकर आएगा वो अपने दोस्तों को बोलेगा कि यार बड़ी अच्छी लग रही थी आलिया मजा आ गया देखकर आलिया 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 अच्छा इसमें से भी कोई एंड ही दिस मूवी विल बी हिट बिल्कुल ऐसा ही आप करेंगे बेटे एज अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी बिकॉज कॉस्ट मिनिमाइज हो गई इसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया इसकी वजह से ईपीएस बढ़ गया इसकी वजह से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया एंड ड्यू टू दैट आपने क्या किया शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया अच्छा जब शेयरिंग करेंगे तो सभी लोग उस एंटिटी का स्टॉक खरीदने की बातें करेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से देखिए मैं कहां तक जा रहा हूं इंतहा की हद हो गई ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बताने के लिए अच्छा जब ये होगा तो डिमांड ऑफ दैट इक्विटी शेयर ऑफ दैट स्टॉक विल इंक्रीज बिकॉज उसमें ज्यादा ईपीएस आ रहा है सब लेना पसंद करेंगे अच्छा जब सब लेना पसंद करेंगे तो स्टॉक तो लिमिटेड है बिकॉज वो तो वो तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं तो आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना पड़ेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा तो जब आप परचेज करेंगे और सभी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी अच्छा डिमांड जब बढ़ेगी तो आपने बचपन में बचपन में क्या पार्ट टू में भी सीखा दैट वेन एवर डिमांड इंक्रीजेस द एंड इफ सप्लाई रिमेन सेम योर प्राइस विल इंक्रीज तो बताइए जी उस स्टॉक का प्राइस क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस पर शेयर विल इंक्रीज और नॉट बिल्कुल बढ़ेगा बेटा अच्छा जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी वेल्थ बढ़ जाएगी बट दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट आई कैन मैक्सिमाइज द द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स कैसा लगा बेटे रिलेशनशिप कैसी लगी आने वाले जितने भी मैं लेक्चर्स लेने वाला हूं सेक्शन डी में यू नो आई विल रिलेट ईच एंड एवरीथिंग एंड स्पेसिफिकली स्पेसिफिकलीस टेन इंट्रो लेक्चर्स जो मैं आने वाले दस लेक्चर्स लूंगा बेटे आपके लॉजिक्स और कंसेप्ट हिलाकर रख देंगे और आप फंस गए हो और आपको लगता है कि आ यार ले लिए पैसे खराब हो गए फिर भी आप अगर ये नाइन टेन लेक्चर्स मेरे आने वाले नो इफ यू वॉच इट योर होल विल बी क्लियर रिलेशनशिप समझ आएगी आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं और ऑलरेडी लिख रहे हैं मैं तो बस जान के बार बार बीच में बोल देता हूं मैं आज आपको कुछ मूवीज दिखाने वाला हूं और फिर मैं इस शीट में आऊंगा जो जीता वो सिकंदर बाकी सब के सब बंदर मैं ये सब बताऊंगा बेटे बेटे सब बताऊंगा मैं भूपेश आनंद मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सबसे पहले तो आपको कुछ बताने वाला हूं शाहरुख खान कुछ बताएगा शाहरुख खान इस मूवी में यह बताएगा कि अगर सच में आप किसी चीज को पाने की शिद्दत करते हो तो पूरी कायनात वो आपको देने में मदद करती है लेकिन मैं पहले शाहरुख खान नहीं दिखाऊंगा मैं भूपेश कुमार से आनंद आज आपको एक अभी पहला वीडियो दिखाऊंगा प्रेमा जय कुमार ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी आप सब ऑटो रिक्शा ड्राइवर के मुझे नहीं लगता कि आप हैं बिकॉज यू आर यूएसए हो भी सकते हैं बट द पॉइंट इज मेजोरिटी नहीं है बेटे ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी की रिसोर्सेस क्या होंगी छोटा सा कमरा छोटी सी किचन छोटे से रिसोर्सेस लेकिन कहते हैं जब मन में हो ना विश्वास किसी चीज को पाने का तो बेटे इस प्रेमा जय कुमार ने इंडिया में टॉप नंबर वन पहला स्थान फर्स्ट पोजीशन ग्रैप की पूरी इंडिया में मैं आपको प्रेमा जय कुमार दिखाऊंगा सर और क्या दिखाओगे बेटे मैं उसके बाद आपको एक कैटरीना कैफ भी दिखाऊंगा और वो बताऊंगा कि सच में अगर आपको पैसे चाहिए यू नो पैसा पैसा करती है तो यू हैव टू डू दिस सी एम यूएसए पार्ट वन एंड पार्ट टू द फर्स्ट अटेम्प्ट और फिर लास्ट में मैं भूपेश आनंद एक आपको मैकडॉनल्ड्स का वीडियो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं पोस्ट कोविड सिनेरियो है बट स्टिल इफ यू थिंक दैट यू कैन डू देन यू दे कह रहा था थोड़ा सा पहले इस वीडियो को देखें कि वीडियो कह कह रहा है यार वो कह रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप हिस्ट्री को देखें इतिहास को देखें तो हमेशा हार्डशिप रही है अब आप जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ सीएमए यूएसए कर रहे हैं आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आप मैरिड हैं आपके बच्चे भी हैं आप चाहते हैं डेडे हार्डशिप्स रहेंगी हैं पूरी इतिहास हिस्ट्री को चेक करें तो हार्डशिप्स थी पॉवर्टी थी पेन था एंग्विशमेंट थी डिस्पेयर था डिप्रेशन था रिसेशन था आप देखिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में पूरी दुनिया में रिसेशन है और स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर पूरा रिसेशन चल रहा है और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया स्टॉक एक्सचेंज में हर चीज खत्म हो गया और आजकल स्टॉक एक्सचेंज वैसे भी गिर रही है इफ यू थिंक दैट स्टिल उसके बाद भी कुछ लोगों ने किया यार से ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम आपके साथ होंगी कुछ होगा किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ मुझे कुछ मोदी जी को कुछ सबको कुछ ना कुछ बट स्टिल क्या हुआ देखिए मैकडोनल्ड ने क्या किया आपका सपना इसको जानते हैं बेटे फेसबुक को जानते हैं अब तो नाम भी चेंज हो गया हॉलिडे इनको जानते हैं यार मैं आपसे कहना बस यही चाह रहा हूं इस वीडियो को दिखाकर कि आप किसी भी पोजीशन में हैं बिकॉज यू अ चॉइस नाउ यू हैव टू डू इट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज द ओनली वे आउट प्रॉब्लम सबके साथ होंगी करना यार तभी तो पैसा मिलेगा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा पैसा बेटे आओ क्या बात है क्या चीज है पैसा पैसा अगर सच में ही पैसा चाहिए तो बेटे आपको लाइफ में सीएम यूएसए पार्ट वन करना पड़ेगा आपकी सिचुएशन इस प्रेमा जय कुमार से बहुत अच्छी है साथ ही साथ आइए देखें साथ ही उनके पिताजी तीनों का बहुत भी मिलने को आए घर है यहाँ पे किचन रूम है काफी छोटा घर है यहाँ पे ये प्रेमा जयकुमार की मम्मी हैं और उनका ये किचन है और वो फर्स्ट आई सी ए में फर्स्ट रैंक आई आपके पास इससे ज्यादा रिसोर्सेस हैं प्रॉब्लम्स भी कम हैं अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो आप बेवकूफ हैं कैसे आप लोग रोजाना यहाँ पे प्रेमा पढ़ाई करती थी यहाँ पे हम लोग है ना बहुत मुझे उनका जाता था अब आप सोशल मीडिया में टाइम बड़ा वेस्ट करते तो हैं है और लाइफ में आगे बढ़ना है ठीक है जी क्योंकि शाहरुख खान एक ही कुछ कह रहा है क्या कहता है शाहरुख खान आइए देखें शाहरुख खान कुछ बोलना चाह रहे बेटे बड़ी प्यारी सी बात कह रहा है शाहरुख खान अब सुनना यू Say, से इतनी शिद्दत से कोशिश की कोशिश की है इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें तो इतनी शिद्दत से तुमने सीएम में यूएसए पाने की कोशिश की है पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे कि हर जर्रे ने तुम ने मुझे तुमसे मिलाने की मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है बेटा यही होता है लाइफ में बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने जूस नोट्स भी बहुत सारे प्रिपेयर किए आई विल बी गिविंग यू फर्स्टली आई विल बी गिविंग यू माय ओन हैंड एंडलाइट मैं आप, आपको पूरी लैंग्वेज कंसेप्ट बताऊंगा लॉजिकली हम देखेंगे वो स्टेप्स क्या हैं एक बार मैं चाहता हूं कि आप वो लिख लें फिर हम इस कब चैप्टर के आगे इंट्रो सीरीज को शुरू करने वाले हैं बेटे आइए आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि लाइफ में अगर सच में आपने पास होना है तो आपको अब क्या करना है जो चीता वो सिकंदर आई थिंक यू अवेयर ऑफ यू नो जो जीता वो सिकंदर अब आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया उसको मानती नहीं यार वो कहती बेकार पागल हो तुम तो यार प्रॉब्लम तो सबके साथ है बट जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके विदाउट गिविंग रीजनस आगे बढ़ता है बेटा वही सिकंदर बनता है उसी को मिलेगा सब कुछ गाड़ी बंगला गाड़ी में बैठने वाली सब मिलेगा बट द पॉइंट इज सिकंदर को बनना कैसे है बेटे सबसे पहली बात मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को जो भी एटलीस्ट मैंने यूट्यूब में डाले अगर आप परचेस नहीं भी करना चाहते क्योंकि यू हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम समवे और आपके पैसे ऑलरेडी ब्लॉक हो गए और आपको लग रहा है कि आपके साथ तो धोखा हुआ है लेकिन भूपेश आनंद फिर आ गया बेटा आपके पास आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए और उस वीडियो लेक्चर्स को देखते समय मैंने जो बातें बताई कि हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड बेटा उस रिलेशनशिप को देखना है ठीक है जी अच्छा रिलेशनशिप को देखते देखते आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं और डिजिटल नोट्स बनाने हैं जो मैं अपने लेक्चर्स में आपको हमेशा ही कहता रहता हूं in, in, in also, और मैंने सेक्शन ए में भी बताया कि आपको अपने डिजिटल नोट्स बनाने यू हैव टू प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स इसके सब बात आफ्टर डूइंग वीडियो लेक्चर्स और आपने नोट्स प्रिपेयर कर दिए तो आप कोई भी एक स्टडी टेक्स्ट यू नो इधर हॉक और क्लेम और वायले और बेकर एक मैं फिर रिपीट करता हूँ री सी माई गोल्डन वर्ड्स एक ही लेना है उस स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो बट वो कॉन्फिडेंस के लिए कि आपने सब कुछ कवर किया या नहीं किया एक बार आपने उसके स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस और एक बार कंसेप्ट देख लेने कि क्या क्या दिए ऐसे 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 ठीक है जी आफ्टर दैट मैं आपको अभी वैसे अपने जूस नोट्स दिखाने वाला हूं आप मेरे जूस नोट्स को देखेंगे तो बेटे मैंने इन सब का मिक्सचर ही बना दिया है बट जूस नोट्स पहले आप स्टडी टेक्स के बाद देखेंगे एंड देन एट लास्ट जो भी स्टडी टेक्स आप ऊपर रेफर कर रहे हैं उनके एम लेंगे पूरा एल सिस्टम होता है आप हमारे से भी आ सकते हैं हमारी हमारे से भी बात कर सकते हैं उसके बारे में एम करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको हाइलाइटर टेक्निक यूज करनी है मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा दैट हाउ आई यूज हाइलाइटर्स एंड हाउ माय सबकॉन्शियस माइंड रिकॉग्नाइजेस दो कलरफुल थिंग्स आप बार बार कलरफुल चीजों में क्यों देखते हो क्योंकि हमारी आंखें कलरफुल ज्यादा अच्छी लगती है उसको और माइंड जल्दी से रिकोलेक्ट कर लेता है उन कलरफुल चीजों को तो आपको अपनी बुक्स को अपने रजिस्टर्स को हैंड हैंडेन नोट्स को कलरफुल बनाना है आइए मैं अपने थोड़ा सा जूस नोट्स को थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर कैसे किए मैंने बड़ी मेहनत की है मैंने जूस नोट्स को बनाने के लिए बड़ी ज्यादा है मेहनत की है और मैंने आपके लिए मैं बता दूं आई नो ग्लेम वायल ए बेकर और कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन डी में यूनिट पांच यूनिट्स हैं एज वी द फर्स्ट यूनिट इज द फर्स्ट इज मेजरमेंट कंसेप्ट कॉस्टिंग सिस्टम ओवरहेड कॉस्ट बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इन तीनों को इस तरह से ना पढ़ेंगे जैसे मैं बोलूंगा उस तरह से आप करते जाएंगे तो जल्दी समझ आएगा ठीक है जी वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में मैंने फिर इसके जैसे फर्स्ट यूनिट है उसके कंसेप्ट प्रिपेयर किए द होल यू नो जूस टीपेयर इन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट

कंपनी की बैलेंस शीट से कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट टूल से कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से रिलेट करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि एक्चुअली में कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है जैसे मैंने आपके लिए एमेजोन की कॉस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन की एक साइट निकाली है कहना यह चाहता हूं कि आने वाले लेक्चर्स बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं बड़ा मजा आने वाला है बड़ा नॉलेज गेनिंग होगी आपको फील ही नहीं होगा कि आप मेरा लेक्चर कर रहे हो यार आज भी बताओ आपने बताओ आधा घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो गया आपने क्या फील किया थके हुए लग रहे हो आप बिकॉज मैं अपनी एनर्जी फ्लो करूंगा आप में रिक्वेस्ट टू यू विल बी प्लीज अटेंड दिस कमिंग नाइन टेन इंट्रो लेक्चर्स सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट आई विल बी अपलोडिंग इन माई यूट्यूब करेंगे तो मिलेगा बेटे जिन खोजा तिन पाया अब रैन कहा जो सोवध है उठ भोर भाई भोर भाई अब रैन कहा जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है बी हैपी बी जॉली बी चो